टाइम बारिश का मौसम है, लेकिन यहाँ पर गाइस धूप निकली है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेल लूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि बैटमैन की कोई नई सी नई फिल्म आई है और उसको मुझे देखना है। तो गाइस ये देखिए, अभी मैं निकला हूँ बहुत स्पीड के साथ, और घर से बाहर निकलने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम जुरासिक पार्क चला जाऊँ, लेकिन मुझे चाहिए एक कार, और कार मेरे पास नहीं है। तो मैं अभी कार वाले को कॉल करता हूँ, और कॉल करने के बाद कुछ ना कुछ तो मंगा ही लूँगा। तो गाइस ये देखिए, मैंने अभी मंगाई है, एक एक चिट कोड डायल किया, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो गाइस ये देखिए, कार की जगह डायनासोर आ जाए, कोई बात नहीं। तो डायनासोर को बैठ कर गाइस मैं चलने लगा हूँ अपनी पार्क की तरफ, और पार्क तक जाने के लिए मैंने डायनासोर को फुल स्पीड में भगाया गाइस। लेकिन ये ए हट भाई, ये रास्ते से हट नहीं रहा था। ये सफ़ेद मुझे गाड़ी पसंद आई है। ए रुक गाड़ी वाले भैया, मुझे गाड़ी चाहिए। ए मेरे डायनासोर, मेरे डायनो ने उसको पटक दिया है। तो गाइस ये अभी मैं उतर चुका हूँ उसके साथ, और ये कार वाला भागने की फिराक में है, लेकिन मैं इसे भागने नहीं दूंगा। अब मैं इस साइड से घूम कर कार के अंदर बैठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे कार तो चाहिए, और बिना कार के मैं तो गाइस मैं तो नहीं जाने वाला। अरे भाग रहा है, अबे भाग जा रहा है तू। और गाइस मैंने उसको अभी लात मार के बाहर निकाल दिया, उठल साले, एक कार मेरी है। तो गाइस सफेद कलर की गाड़ी ऑडी में मैं कैसे लिख रहा हूँ, लेकिन ये लाल कलर वाला फराइट वाला मेरे को आके दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको भी पटकना पड़ेगा। तो गाइस इसको मैं अभी एक दे रहा हूँ, ये देख। अरे मेरे से पंगा लेने का मतलब देख ले, मेरा डायनो तेरे को खा जाएगा गाइस। अरे इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो गाइस मुझे अभी स्पीड से फिर से एक बार इसको, ये मेरे को खुन्नस दे रहा है, तो इसको एक बार इसकी कार को चपटा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मानेगा गाइस, इसको मैं सबक सिखा के रहूँगा, क्योंकि इसने मुझे बहुत परेशान किया है। तो गाइस ये देखिए, अभी मेरा मन कह रहा है कि मैं इस लाल फरारी वाले को ना एक लात मारूं और इसकी कार चुरा के भाग जाऊं, लेकिन लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस इसको एक बार मैं अपने हुल देता देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, अभी ये साइड में खड़ा है और ये मुझे देख रहा है, और लगता है कि इसको भी अभी सीखना पड़ेगा गाइस। तो मैं अपनी इसकी फेरारी चुरा के मैं भागने वाला हूँ गाइस, और मेरे फेरारी चुरा लिए गाइस। और फेरारी चुराने के बाद मेरी गाड़ी बहुत स्पीड के साथ अभी टॉप गियर में भाग रही है। टॉप गियर में भागने के बाद मैं जा रहा हूँ जुरासिक पार्क, और वहाँ पर मुझे मिलेगा बहुत सारे डायनोस, और उन सारे डायनोस को मैं मार कर उनके अंडे चुराने वाला हूँ गाइस। और आपको पता है गाइस ये रास्ता गलत हो गया गाइस, तो मुझे वहाँ से आगे जाकर लेफ्ट लेना पड़ेगा, और वहाँ से फिर जाके शॉर्टकट मुझे जाना पड़ेगा। तो गाइस ये देखिए, और एक फेरारी वाला आ रहा है, लेकिन ये अपना भाई है तो उसको छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि फेरारी वाले भाई भाई होते हैं। तो गाइस जैसे भी मेरे कार का दरवाजा खुल चुका है गाइस, क्योंकि मैं लॉक लगाना भूल चुका था। इस तरह से मैं फिर से एक बार टॉप गियर में गाड़ी भगा रहा हूँ गाइस, और टॉप गियर में गाड़ी भगाने के बाद यहाँ से फिर से एक बार लेप लूंगा। लेप लेने के बाद सीधा जाएंगे हम जुरासिक पार्क। अरे कौन सा नोटिफिकेशन आया, मुझे लोन वोन नहीं चाहिए, हम लोन बांटते लोन देते हैं। अरे एक बार हमारा फेरारी का कच्चा उड़ चुका है गाइस, और ये ऑडी वाला था, ठीक है अभी हिसाब बराबर हो चुका है ऑडी वाले के साथ। तो कोई बात नहीं है, मैंने उसकी गाड़ी को ठोका, गाड़ी चुराई, तो उसने मेरी गाड़ी को आके सामने से ठोक दिया। लेकिन अभी ये मौका नहीं, ये टाइम नहीं है उसके झगड़ा करने का। तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा पेट्रोल भी बढ़वाना पड़ेगा गाइस। ये देखिए, ये आदमी एक्सीडेंट कर दिया गाइस, थोड़ा सा वो रात का नशा नहीं उतरा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर ब्रेक लगाकर फ्यूल टैंक फुल कर लेता हूँ, और यहाँ पर कोई नहीं है। तो गाइस यहाँ पर कोई नहीं है तो इसका मतलब है मैं पेट्रोल यहाँ पे चुराने वाला हूँ, और इनको पैसे वैसे देने तो वाला है ही नहीं मैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और पार्क करने के बाद मैंने अपना पेट्रोल यहाँ पर उतर के मुझे पेट्रोल भरना पड़ेगा। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर पेट्रोल मैं भर चुका, भरने वाला हूँ, और ये देखिए पंप के जाकर यहाँ पर कोई नहीं है। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए, या मैंने ये ले ली है, और ये नोजल से मैंने अपने पेट्रोल को डालने की कोशिश कराऊँ, लेकिन गाइस मेरी गाड़ी तो नाइट्रोजन वाली है, मैं तो भूल ही गया, क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलता ही नहीं, क्योंकि ये गाड़ी जो है मॉडिफाइड है गाइस, और इसके अंदर ये जो है ना, ये हाइड्रोजन से चलती है, हाइड्रोजन पानी के साथ चलती है। तो गाइस ये तो मैं भूल ही गया था, कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी के दोनों दरवाजे टूट चुके हैं, और मुझे जाना है जुरासिक पार्क। लेकिन यहाँ पर मेरा जो एक्सीडेंट हो चुका है उसके कारण मेरा नेविगेशन बंद हो चुका है गाइस, और कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर ट्रेन स्टेशन दिख रहा है, उसके बाजू में ही गाइस ये अपना जुरासिक पार्क का एरिया है, तो मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और इस तरह से ये देखिए, इस रैम्प पर थोड़ा मैं सोचूं जाऊं, अरे जा ही लेता हूँ, आ चुका हूँ तो फेरारी लेके, लेकिन फेरारी का पावर कम पड़ चुका है गाइस। अरे एक बार यहाँ पर उछलते कूदते मैं यहाँ पर जुरासिक पार्क के दरवाजे के अंदर घुस चुका हूँ, अरे यहाँ पर एक फिर से एक एक्सीडेंट छोटा सा कर दिया है। और कोई बात नहीं, अगर मुझे पुलिस पकड़ लेगी तो मैं उनके लिए 300 पेज का एक आर्टिकल लिख लूँगा, क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत सारा पैसा है। तो कोई बात नहीं, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, और ये देखिए मैंने अपनी फेरारी की यहाँ पर रास्ते में ठोक दी है, और यहाँ पर डायनासोर को देखने की इतनी जल्दी है मुझे कि मैं अपनी गाड़ी को संभाल नहीं पा रहा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत स्पीड के साथ मेरी गाड़ी जा रही है, और जाने के बाद यहाँ पर डायनो नहीं दिख रहा है। डायनो को देखकर मैं उससे बोलूँगा कि कहाँ है तेरे अंडे, बता नहीं तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। लेकिन यहाँ पर डायनो दिख नहीं रहा, तो डायनो देखने के लिए मैं यहाँ पर यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ गाइस, और घूमने के बाद मुझे कुछ नहीं मिल रहा। यार यार फिर से गाड़ी ठुक गई गाइस, यार मुझे लगता है कि ये फेरारी डायनो देखने से पहले ही ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास दूसरा चिट कोड है, हम दूसरा चिट कोड से दूसरा गाड़ी मंगा लेंगे। तो कोई बात नहीं, ये देखिए गाइस यहाँ पर इतने सारे पेड़ है, और इन पेड़ों के
कहाँ कहाँ पे छुपा है डायनो पता नहीं। अरे डायनो तू आजा भाई, तेरे को देखने के लिए मैं आया हूँ यार, लेकिन तू भाग रहा है। तो काम कर देता हूँ यहाँ पर, मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ, और गाड़ी को पार्क करती गाइस मैं अपनी मैं अरे यार ये मैं गाड़ी से कूद गया गाइस, और जो भी मैंने मावा गुटखा खाया था सब थूक दिया गाइस। कोई बात नहीं है, ये मेरे 200 रुपये का नुकसान हो गया क्योंकि ये बहुत ही महंगा मावा था। कोई बात नहीं गाइस, अभी एक काम कर देता हूँ, अभी एक नया चिट कोड डायल करता हूँ, वहाँ से कुछ ना कुछ तो मंगाता हूँ गाइस, और मुझे एक सीक्रेट चिट कोड पता चला है। तो गाइस ये देखिए मैंने एक चिट कोड डाल दिया है, और ये फिर से आ गया। अरे मुझे लैम्बोर्गिनी नहीं पसंद है गाइस, तो लैम्बोर्गिनी पसंद नहीं, तो जो पसंद नहीं उस चीज़ को मैं रखता नहीं। तो ये मैंने लगाया निशाना, ये गया 2 कदम पीछे, अभी इसको शूट कर दिया गाइस, और ये ब्लास्ट हो गई। तो कोई बात नहीं है, इस ब्लास्ट से तो डायनासोर को पता चल जाएगा कि मैं आ चुका हूँ, लेकिन डायनासोर अभी तक तो नहीं है। तो वहाँ पर कुछ कुछ दिख रहा है गाइस, लगता है कि वहाँ से कोई आ रहा है। तो गाइस मुझे सबसे पहले अपनी गन को साइड में करना होगा, तो गन को साइड में कर दिया गाइस, ये देखिए गन को साइड में कर दिया है, और ये देखिए क्या हो रहा है भाई, कुछ गलत हो गया ऐसा लग रहा है। तो भाई ये देखिए यहाँ से यहाँ पर कुछ नहीं है, गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है, एक फेरारी खड़ी है, और डायनो का दूर दूर पता नहीं। तो नया चिट कोड डालना पड़ेगा, नया चिट कोड डालने के बाद कुछ ना कुछ तो आना चाहिए गाइस अच्छा वाला। तो ये देखते हैं एक चिट कोड कौन सा है। अरे यार ये कौन सा $400 चिट कोड डाल दिया मैंने, कुछ तो आया है यार फोन के नीचे। अरे ये देखिए गाइस आ चुकी है अपनी गाड़ी, यार मुझे इसी का इंतजार था। तो कोई बात नहीं है, अरे पापा तो गाइस यहाँ पर हमारी गाड़ी आ चुकी है, और गाड़ी के बैठने के बाद हम देखेंगे डायनो को। तो गाइस ये देखिए अभी मैं इस गाड़ी पर बैठ चुका हूँ, और यहाँ से मुझे डायनो पार्क में घूमने में आसानी होगी, और मुझे बार बार कार का शीशा खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इस तरह से मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर डायनो, लेकिन डायनो का बच्चा दिख नहीं रहा, और जैसे दिखेगा अरे मैं उसे बोलूंगा भाई तू क्या कर रहा है, मेरे को अंडे चाहिए, मुझे ऑमलेट बनाना है तेरे अंडे का, इसलिए तो मैं इतनी दूर से आया हूँ अपनी गाड़ी लेके, और मैंने एक ऑडी वाल दो लोगों का एक्सीडेंट कर दिया है, और एक ऑडी को ब्लास्ट करके आया हूँ, और उसके साथ लैम्बोर्गिनी को भी ठोक के आया हूँ गाइस। और ये देखिए डायनो का पता नहीं साला डायना इस पार्क में रहता है या अलग दूसरे पार्क में रहता है, पता नहीं यार कहाँ पर है डायनो, लेकिन डायनो को ढूंढने की तलाश तो जारी है गाइस। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, और भाई लोग आप सब्सक्राइब नहीं कर दे यार, सब्सक्राइब करो गाइस, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं गाइस वीडियो को कैसे बना पाऊंगा। तो गाइस ये देखिए बहुत स्पीड के साथ मैं जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ पे है डायनो, डायनो का बच्चा। अभी तू दिख जाए एक बार, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, लेकिन आ गया डायनो आ गया। अरे बाप रे ये तो डायनो नहीं है, डायनो का बच्चा नहीं है, पागल है। अरे यार ये कहाँ गया, अरे यार ये लगता है कि मेरे को धूप देख के भाग गया, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे आज पूरी तरह से इसको मार के इसके अंडे चुरा कर इसका आमलेट बनाने वाला हूँ, लेकिन कहाँ गया वो डायनो। अरे यार भाग गया लगता है, दिख ही नहीं रहा मेरे को, इधर देख पीछे देख, अरे हाँ हाँ इधर, अरे मेरे सामने आ गए, इसने मुझे खा लिया गाइस। गाइस अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस।